नमस्कार दोस्तों, बहुत समय के बाद YouTube पर वीडियो बना रहा हूँ। तो आज है 25 जनवरी 2024 और अभी मैं दिल्ली से आ रहा हूँ उत्तराखंड के लिए। और बात कुछ ऐसी है कि दिल्ली पुलिस में हो चुका है मेरा सिलेक्शन। तो कल रात को ही रिजल्ट आया और कल मैं था दिल्ली में, परसों मेरा मेडिकल था और कल फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो तुम्हारे भाई की सरकारी नौकरी लग चुकी है, हम ऐसे भी कह सकते हैं, और दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो चुका है। तो अभी मैं दिल्ली से उत्तराखंड आ रहा था, तो रास्ते में ही माँ धारी का मंदिर पड़ता है, आप पीछे देख सकते हैं, जो कि चार धामों की रक्षक देवी के नाम से माँ धारी देवी को जाना जाता है। तो अभी आ चुका हूँ माँ धारी देवी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। यानी कि एक मेहनत अपनी जगह होती है, लेकिन एक किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो जो लक का फैक्टर है वो भगवान हमारा साथ दे देते हैं तो हो जाता है। तो सिलेक्शन हो चुका है यार, तो ये बात आपको बतानी थी और ये वीडियो इसलिए बन रही है कि ताकि इस मोमेंट को कैप्चर कर सकूं। बहुत बढ़िया फील कर रहा हूं, और अगर आप भी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आई होप कि माँ धारी देवी और जिस भगवान को भी आप मानते हो वो आपकी मनोकामना को पूर्ण करें और आप भी जल्द से अपनी मंजिल को पाएँ। तो अभी मंदिर में जाऊँगा और माँ धारी के दर्शन करूँगा। तो ऐसी कुछ बात है, आगे बहुत से कुछ वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि घर जाके घर वालों का रिएक्शन कैसे रहता है। और अभी चलता हूँ माँ धारी देवी के मंदिर में, और अंदर का दृश्य मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अंदर मंदिर में कभी वीडियोग्राफी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अंदर चलता हूँ और उसके बाद आपसे बातचीत करते हैं। तो ये है माँ धारी देवी का मंदिर, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर माँ धारी देवी का मंदिर लग रहा है। ऊपर देख सकते हैं आप, ऊपर धूप चमक रही है माँ धारी देवी के मंदिर के शीर्ष पर, और देख सकते हैं अभी लोग भी नहीं है, कोई ज़्यादा है नहीं यहाँ पर, और बस मैं हूँ। काफ़ी बढ़िया फील हो रहा है, उम्मीद है कि आप भी इस फीलिंग को महसूस करें जल्द ही अगर आप एस्पिरेंट हैं। तो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो चुका है, बहुत बढ़िया फीलिंग है और ग्रेटफुल महसूस कर रहा हूँ यार, ऐसा बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस कर रहा हूँ। तो यार चलता हूँ और पहले तो माँ धारी देवी के दर्शन करते हैं और उसके बाद आपसे बातचीत करते हैं। तो यार माँ धारी देवी के दर्शन भी कर लिए हैं, तो अभी घर चलते हैं और देखते हैं कि घर वालों का रिएक्शन कैसे रहता है। तो घर चलते हैं, और ये पीछे मंदिर रहा, और मंदिर के गर्भगृह में तो फोटो खींचना मना है और खींचनी भी नहीं चाहिए हमको। तो अभी घर चलते हैं सीधे। तो यार अभी घर पहुँच चुका हूँ, तो अभी दिखाता आपको वीडियो। अभी मैं पहुंचा हूं अपनी नानी के गांव, तो चलते हैं। मैं प्रणाम, मैं प्रणाम। आज बहुत दिन हो गई देख दे। टोपी तो यार जो आप ये क्लिप देख रहे हैं ये बहुत समय बाद की है, लगभग रिजल्ट आने के 10 दिन बाद की। और रिजल्ट के जस्ट दूसरे दिन मैं मंदिर में गया था, और उसके बाद मैं अपने नानी के गांव आया, नानी के गांव के बाद अपने घर गया। तो घर जाने वाली वीडियो मैं नहीं बना सका क्योंकि फोन में स्टोरेज 1% भी नहीं थी, फोन तो पूरा लैग कर रहा था, और अभी मैंने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब डिलीट कर रखा है तब जाके स्टोरेज जुगाड़ करी है। और इस वीडियो को कंप्लीट करना बहुत जरूरी था क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं आजकल लगभग, और मुझे लगा कि ये वीडियो कंप्लीट कर देनी चाहिए। तो ऐसी कुछ बात है, और बाहर का मौसम अगर आपको दिखाएं तो सामने देख सकते हैं, वाह क्या धूप लगी हुई है, और यहां से आप देखिए, ओ माय गुडनेस। तो बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, और अपनी नानी से मैं आज आपको बात कराता हूँ क्योंकि मेरे नाना जो है वो तो बीमार है, उनका तो क्या ही रिएक्शन लेंगे। तो ऐसी कुछ बात है, और बहुत ही बढ़िया ये वाली फीलिंग होती है जब आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तो ये पीछे आप देख सकते हैं, ये थोड़ा बहुत किताबें हैं जो तैयारी में काम आई, और ये रूम है जिसमें कि बैठ के पढ़ाई करी है। यार अपनी नानी से मैं आपकी बात कराता हूँ कि मेरे नानी को कैसा लग रहा है कि मैं दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो चुका हूँ, तो बात करवाते हैं आपकी। यहाँ पे मेरी नानी, तो अपनी नानी को मैं पूछता हूँ कि आफ्टर सिलेक्शन ऑफ दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल कि मेरी नानी को कैसा लग रहा है। तो अभी आपकी बात कराते हैं।
तो यहाँ पीछे है मेरी नानी और अभी बात कराते हैं कि कैसा लग रहा है मेरी नानी को। तो ये है मेरी नानी और अपनी नानी को मैं पूछता हूँ कि दिल्ली पुलिस में मेरा सिलेक्शन के बाद मेरी नानी को कैसा लग रहा है। कल लोगों ने मतलब दिल्ली पुलिस में हुआ है बढ़िया है बढ़िया कुछ बो नहीं कर दो बहुत बढ़िया मेरी नात लगी बहुत बढ़िया बहुत खुशी हुई मेरे तो लोगों जो पहल किया वही जान ना ना पहल तो मैं बहुत अविश्वास हो कि क्या लोगों से नहीं लोगों तो ये अब बहुत बड़ी हुई अब क्या बोलेगी अब खुश हुई हम हम बूढ़ बूढ़े जैसे नानी नानी नूना नानी भी नाना भी बहुत खुश हुए हम हम उस समय की पाली छोटे मामी ने पाली परोली वो बोला पर गौर है ना मुन पास हम देख रहे हैं हमारे बीच हुए बहुत मदद कर यार हम भी वही मदद बहुत कर अच्छा तो लोगों ने जो कि हाँ वही जाली होना भगवान दया से भगवान दया से लगी भगवान कृपा हुई ये लोगों से तो क्या यार योना यो दिन वही जल गया हमने ये लोगों से यो ना यो दिन कभी कुछ भी नहीं कोई बनी होगी जोर और कुछ बोल जाए नहीं तो और क्या बोलने ना तन कोई होल सीन क्या जो तैयार सीन का नाम हो रहा है हाँ वो भी लगे चढ़ना सन बिचार जो तैयारी करना है ना जो मेहनत करना है जो मेहनत करना है ना गरीब गोरा लोड़ है ना जो मेहनत करना है वो लगे चढ़ना है अरे अमीर गोरा तेनों ना कुछ बुआ उन कर तो कुछ लोड़ उन कर तो अमीर गोरा लोड़ तो तेन अवारा रोना बनिया अब गरीब गोरा जो फिर बहुत मेहनत करना खाण सीन आराम से होते अन्य कमा सन तो बहुत बढ़िया सब खुश हुए गया मेरी बेटी उन भी देखी जानी वो भी खुश हुए जिनकी हमारी दीदी लोड़ लगी ये इमोशन भी बहुत मदद कर हाँ तो ऐसी कुछ बात है और ज्यादा बात तो क्या ही करनी है। तो जो आने वाले एस्पिरेंट हैं तो उनको भी बेस्ट ऑफ द लक और अभी आपसे और बातचीत करते हैं। तो यार अपनी नानी से तो मैंने आपकी बात करवा दी तो अभी ऐसा कुछ रिएक्शन था मेरी नानी का और काफी खुशी है सभी को और अभी थोड़ा बैठ के बात करते हैं। तो यार थोड़ा बैठ के बात करते हैं और आई होप कि मैं थोड़ा आपको बढ़िया व्यू में दिख रहा होगा। तो बात कुछ ऐसी है कि हमारा जो मेडिकल था वो 21 तारीख को था तो 21, 22 और 23 तारीख को तो 3 दिन हमारा मेडिकल चला दिल्ली पुलिस का और उसके बाद 24 तारीख को मैं दिल्ली में था और 24 तारीख को रात में लगभग 7-8 बजे मुझे पता चला कि रिजल्ट आ चुका है। तो पता कैसे चला कि मैं अपने ताऊ के यहाँ था दिल्ली में और मेरे ताऊ मुझे छोड़ने आ रहे थे बस अड्डे पे, ठीक है। तो टायर थोड़ा सा खराब हो गया मेरे ताऊ की जो गाड़ी थी मतलब स्कूटी थी उसका टायर खराब हो गया और मेरे ताऊ रास्ते में कहते आ रहे थे कि भाई अगर मैसेज आएगा जल्दी तो जल्दी आ जाना और मेरे ताऊ मुझे कह रहे थे कि रुक जा लेकिन मैंने कहा नहीं रुकता नहीं हूं चल घर चले जाता हूं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था दिल्ली में। और उसके बाद क्या होता कि थोड़ा सा रुकते हैं हम टायर सही कराने के लिए और तब तक मैं फोन खोलता हूं ऐसे ही और तब तक एक वीडियो थी कि दिल्ली पुलिस का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। रास्ते में मेरे ताऊ मुझे बोल रहे थे कि ऐसा होगा कि रिजल्ट 2-4 दिन में आ जाएगा ये वो और मेरे दिमाग में पहले से था रिजल्ट तो आ चुका है और पता नहीं सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है तो मेरे अंदर से बहुत ज्यादा फटी पड़ी थी। और उसके बाद जो वो सफर था ना वो जहां पे टायर सही कराया वो वाली दुकान से लेकर और बस अड्डे तक उसमें मेरी जो हार्ट बीट थी ना वो इतनी भयंकर थी इतना डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हुआ होगा और मैं अपने दिमाग में प्लान बना रहा था कि यार क्या करूंगा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो सीधे घर चले जाऊंगा और फोन किसी को नहीं करूंगा और सिलेक्शन हो गया तो क्या होगा ये दिमाग में उस टाइम नहीं आ रहा था सच में। तो बस अड्डे पे गया तो मेरे ताऊ ने छोड़ा मुझे वहां पर मेरे ताऊ वापस चले गए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने सोचा रिजल्ट देखते हैं और नेट चल ही नहीं रहा था बस के अंदर फिर मैं बस के बाहर आया और उसके बाद रिजल्ट चेक करा और किसी ने ग्रुप में भेजा था एक पीडीएफ तो उस पीडीएफ पर अपना नाम सर्च करा और अपना नाम देख लिया अच्छा सचिन सिंह सन ऑफ मेरे पापा का नाम था वहां पे। और उसके बाद लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हुआ कि भाई ये रिजल्ट सही है या नहीं है। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करा उसके बाद बहुत सारे कंफर्मेशन करे और देखा मेरिट कितनी गई है मेरिट से मेरे ज्यादा नंबर थे ये वो तब जाके कन्फर्म हाँ यार निकल चुके हैं और सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद मैंने अपने नानी को फोन करा उसके बाद अपने घर फोन करा और बहुत बढ़िया मोमेंट था वो। और दिल्ली से और उत्तराखंड का लगभग जो सफर है वो लगभग होता है रात को 8 बजे बैठे गाड़ी में और सुबह 8 बजे हम उत्तराखंड पहुंच जाते हैं जहां मेरी लोकल एरिया है। तो
पिछली बार जब मैं दिल्ली से वापस आया तो पूरी रास्ते सो के आया था, लेकिन सच कहूं पूरे रास्ते में जब रिजल्ट आने के बाद मुझे एक भी थोड़ा सा भी नींद नहीं आई। रात के 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक नींद ही नहीं आई, और जबकि मैं पिछले लगभग 3-4 दिनों से सोया भी नहीं था, और बस में भाई नींद ही नहीं आई 1% भी। तो होता ही ऐसा है, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तब भी नींद नहीं आती है, और जब आप बहुत दुखी होते हैं तब भी नींद नहीं आती है। तो ऐसा कुछ था। उसके बाद मैं अपनी नानी के यहाँ आया, नानी के यहाँ से फिर अपने घर गया। तो घर जाने के बाद भी, घर मतलब जहां मेरे मम्मी पापा रहते हैं, तो अपने वाले घर गया, और फिर पहले नानी के यहाँ आ चुका था, तो सभी बहुत खुश है यार। और जब मैं अपने गांव गया तो लगा यार कुछ अचीव कर लिया है, क्योंकि सच में कहूँ तो मैंने अपने पापा को इतना खुश कभी नहीं देखा। और हमारे फैमिली में जो है वो बहुत थोड़ा सा अच्छी कंडीशन नहीं चल रही थी, हम बहुत पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज्यादा हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे, इधर उधर उधर इधर उधर इधर उधर, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो क्या हो रहा था कि थोड़ा दुखी समय होता, तो एकदम से पंप आ चुका अभी और सभी बहुत खुश है। तो अपने पापा की जो है वो थोड़ा इज्जत तो अब बढ़ जाएगी, और ऐसी कुछ बात है। तो खुशी अपने लिए यार इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी अपने घर वालों के लिए होती है, अपने घर वालों के लिए जितना अच्छा फील होता है। तो ऐसी कुछ बात थी। और एक लाइन है ना कि एक दिन जब तुम पीडीएफ में अपना नाम देखोगे, तो ऐसे कुछ लाइन है। तो यार तो बहुत सारा सपोर्ट था, घर वालों से सपोर्ट था, सबका सपोर्ट होता है, दोस्तों का सपोर्ट था, नाम तो कह नहीं सकते क्योंकि नाम कम पड़ जाएंगे। तो ऐसी कुछ बात है, बहुत ही बढ़िया ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ। और अभी ज्वाइनिंग लेटर 12 फरवरी को मिलेंगे, तो तब भी वीडियो बनाएंगे। अभी मुझे तो पता है नहीं ज्वाइनिंग लेटर कैसे मिलता है, तो वो तब पता चल जाएगा। तो जुड़े रहिएगा, और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। जैसे मैं इस वीडियो को बनाना चाहता वैसी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि यार फोन में स्टोरेज नहीं थी, अभी मैंने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब डिलीट कर रखा है, तब जाके ये वीडियो बन रही है। और इस वीडियो के एक लाइन के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को, कि अभी नापी है अभी मुट्ठी भर जमी, अभी तो आसमान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को इतना देखने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अभी मैसेज किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया, और भगवान को भी बहुत बहुत मैं ग्रेटफुल फील कर रहा हूं। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। जय हिंद।